जय श्री राधे। आप सभी का गीतों की सरगम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमारे परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में, घर में होती रहती हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं रिश्तों में, चाहे वो रिश्ता बहन भाई का हो या फिर पति पत्नी का, दोस्त का या किसी पड़ोसी का, तो कई बार इस तरह की बातें हो जाती हैं कि रिश्ते इतने दूर हो जाते हैं कि यूँ समझो कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। और कई बार इस तरह की बातें होती हैं कि रिश्ते बहुत नज़दीक आ जाते हैं। तो बातों में रिश्ते मजबूत करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बात हमारे बीच में होती है तो उसको हम दिल से लगा कर ना बैठें, क्योंकि कई बार कड़वी बातें भी हो जाती हैं। अगर कोई बात हो जाए तो उस बात को बैठकर क्लियर कर लें। जिससे भी बात हुई है, बात सिर्फ उसी से करें। कई बार क्या होता है कि हम बात किसी और से हुई है और तीसरे से बात करते हैं, तो जब उनसे, तीसरे व्यक्ति से जब पता लगता है तो फिर रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। और रिश्तों में हमेशा एक नोकझोंक होनी चाहिए जिसमें प्यार होता है। रूठना, मनाना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए। कई बार क्या होता है कि रिश्ते में जो बातें होती हैं उनमें कड़वाहट आती चली जाती है। अब सबसे ज़्यादा जो अहम रिश्ता होता है पति पत्नी का, इनमें अगर कड़वाहट आ जाती है तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। तो पति पत्नी को तो कम से कम खास तौर पर ये ध्यान रखना होता है कि हमारे बीच में कुछ भी हो लेकिन हमारे परिवार पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो पति पत्नी की जो एक नोकझोंक है, उसका एक मैं आपको घटने वाली जो समाज में एक घटना है, प्रसंग है, वो सुना रही हूँ। तो आप ये सुनिए कि हमें किस तरह से अपने रिश्तों को मधुर बनाना चाहिए और कैसे रिश्ते मधुर बनते हैं। क्योंकि बातों में नोकझोंक हो लेकिन एक फिक्र होनी चाहिए, एक प्यार होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं उसको। आप बहुत ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि आपको पसंद आ जाए। अगर पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। एक लड़का था, वो अपने मामा के यहाँ आया हुआ था कुछ दिनों अपनी छुट्टियों में। तो उसने देखा कि उनके पड़ोस में एक परिवार है, परिवार में भी क्या एक बेचारे 60-65 साल के बुजुर्ग, जैसे कहते हैं बुढ़े बुढ़ी, तो वो दोनों रहते थे। क्योंकि उनके जो बेटे थे दोनों, वो बाहर नौकरी करते थे, तो उन दोनों में आपस में झगड़ा होता रहता था, आपस में कहा सुनी होती रहती, कुछ ना कुछ बड़बड़ाना, एक दूसरे को कहना सुनना, ये सब कुछ चलता रहता। और वो लड़का जब, वो जो परिवार था, दोनों पति पत्नी, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। तो वो लड़का जब जाता था तो उन आंटी अंकल से नमस्ते कर लिया करता था, तो उसकी जान पहचान हो गई थी। उसे लगता कि ये सब दिन बड़बड़ाते रहते हैं, हर वक्त झगड़ा करते रहते हैं। तो उसने एक दिन अपनी मामी से पूछा कि मामी, ये जो पति पत्नी इतना झगड़ते हैं तो आपने कभी देखा नहीं, अच्छा नहीं लगता इस तरह झगड़ा करना, कभी समझाया करो। तो उसकी मामी ने कहा, बेटा समझाने का कोई फायदा नहीं है, इनका तो रोज का काम है, ये तो ऐसे झगड़ते रहते हैं। लेकिन फिर मैंने भी, उसने भी यही सोचा कि हाँ, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ तो मुझे क्या लेना देना इस चीज़ से। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बड़बड़ाने की आवाज़ आने लगी, तो उसने सोचा मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर में ये इतना झगड़ा क्यों करते हैं। और वो गया नीचे, तो उसने अंदर जाके देखा कि जो अंकल थे वो हाथ में एक पोछा और एक वाइपर लेकर खड़े हैं और फर्श की धुलाई कर रहे हैं। तो वो देखकर मुस्कुराए और फिर से अपने फर्श की धुलाई करने में लग गए। अंदर जो आंटी थी वो किचन में थी और वो बड़बड़ा रही थी, कितना मना किया इस बुड्ढे से कि मत करो धुलाई, फिर भी धुलाई करते हैं। तो उसने कहा कि अंकल, आपसे जब आंटी मना कर रही है तो आप क्यों धुलाई कर रहे हैं। तो वो कहने लगी, बेटा सुनो, ये जो है ना सुबह सुबह उठकर धुलाई करती है, मानती है नहीं है, रोज
फर्श को धोती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका काम कुछ कम कर दूं, ये मानेगी है नहीं, और नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं फर्श धोने का। ये सुनकर उसे अजीब आश्चर्य हुआ कि ये इनको इतनी फिक्र है, कितना बड़बड़ा रही आंटी लेकिन फिर भी इस काम को कर रहे हैं। फिर वो अंदर गया तो अंदर जाके उसने देखा कि आंटी ने पराठे सेक के रख रहे हुए थे और सिलबट्टे में चटनी पीस रही थी और साथ में बड़बड़ा रही थी और कहती जा रही थी। उसको देखकर बोली, मैंने इनसे इतनी बार मना किया है कि फर्श को मत धो पर नहीं मानते। अरे किसी दिन हड्डी पसली टूट गई तो क्या होगा, कौन करेगा इतनी खिदमत, मेरे से इतनी सेवा होने वाली नहीं है इस उम्र में। तो उसने कहा कि जब वो सिलबट्टे पे चटनी पीस रही थी कि आंटी आपके पास मिक्सी है, तो फिर उसने देखा मिक्सी रखी हुई है तो फिर आप सिलबट्टे पर चटनी क्यों पीस रही हैं। तो बोली, बेटा ये तेरे अंकल है ना, इनको सिलबट्टे की चटनी पसंद है पीसी हुई, होने को ये मना करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो है ना मिक्सी से पीसी चटनी खा लूँगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये जितने प्रेम से जितने शौक से जितने चाव से सिलबट्टे की पीसी चटनी खाएंगे ना उतनी मिक्सी से पीसी चटनी नहीं खाएंगे, इसलिए बना रही हूँ। तो उसे लगा कि इतना बड़बड़ा रही सब कुछ कर रही, कितना प्यार है इनके मन में, कितनी फिक्र है इनको। फिर उन्होंने इतने में वो अंकल ने फर्श की धुलाई कर दी थी और वो आए और वो कहने लगे कि अरे पूछ इस बुढ़ी से कि मेरे सैंडल छुपा देती है, क्यों छुपाती मेरे सैंडल, मैं उनको ढूंढता फिरता हूँ परेशान होता रहता हूँ, इसे बहुत मज़ा आता है मुझे इस तरह से देखने में, लेकिन बताती नहीं सैंडल को, देख बैठी बैठी देखती रहती है, हंसती रहती है। तो वो अंदर किचन में थी, उसने पूछा आंटी आप ऐसा क्यों करती हैं। बोली, बेटा तुम्हें पता है कितनी सर्दी पड़ रही है, अब इनको सैंडल पहनने का शौक है लेकिन इनके पैरों में सूजन आ जाती सर्दी की वजह से, अब मैं इनके सैंडल छुपा के रख देती हूँ तो ये क्या जूते पहन के चले जाते हैं तो इनके पैरों में सूजन नहीं आती। उसका जो आश्चर्य बढ़ता जा रहा था कि इनको दोनों को एक दूसरे की लड़ाई झगड़े में नोक झोंक में भी कितनी फिक्र है। फिर आंटी ने चाय बनाई और 3 कप में चाय रखी और पराठे चटनी लेकर आए और तीनों नाश्ता किया। नाश्ता करते करते भी उनके दोनों में बहस चल रही थी। फिर वो अंकल बोले कि लाओ मुझे थैला दे दो मैं सब्जी लेकर आता हूँ। तो गुस्से में बोली, कोई जरूरत नहीं सब्जी लाने की, सड़ी गली सब्जी ले आते थैला भर के, और ना जाने जो सब्जी नहीं चाहिए वो भी भर लाते हैं। तो उसे आश्चर्य हुआ कि भाई सब्जी लाने में क्या दिक्कत है। तो वो आंटी गुस्से में बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई किचन में, वो भी किचन में चला गया। तो उसने पूछा, आंटी सब्जी लाने में क्या परेशानी है। तो कह लगी, बेटा मैं इसलिए कहती हूँ, इनकी तो एक कदम चलने में भी सांस फूलती है, अब थैला भर कर सब्जी लाने की इनकी उम्र है, कितनी ही जान है इनमें। मैंने है ना गेटकीपर से कह दिया है वो सब्जी वाले को यहाँ भेज देगा तो मैं उससे सब्जी ले लूँगी। और फिर बोली, अरे इनको मॉर्निंग वॉक का बहुत शौक लगा है आजकल, चले जाते हैं अकेले अकेले, मुझे अंदर से अंदर सोता हुआ छोड़कर और बाहर से साइकिल लगा जाते हैं, क्या जरूरत है इनको जाने की। तो बाहर से अंकल बोल रहे थे, बहुत मजा आता है मुझे जाने में, अकेले आनंद आता है। फिर वो बाहर आया कि अंकल आप ऐसा क्यों करते हैं। तो कहने लगी, बेटा तेरी आंटी रात भर नहीं सोती है, सुबह ही ये इसकी आंख लगती है 4 बजे करीब, तो फिर ये बताओ कि मैं इसको अगर नींद में से जगा कर और इसे ले जाऊं तो ये कौन सी सही बात होगी, कम से कम थोड़ी देर सही 2-3 घंटे सही, कम से कम चैन की नींद तो सो लेती है। ये सुनकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इनकी नोक झोंक इनकी बहस के पीछे इनमें कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी फिक्र है एक दूसरे की। और फिर वो अपने कमरे में चला गया ऊपर। थोड़ी देर बाद ही उसने फिर आवाज़ सुनी कुछ, तो उसने देखा कि नीचे जो आंटी थी वो भाग रही थी स्कूटर की चाबी लेकर, और पीछे पीछे वो अंकल भाग रहे थे और कह रहे थे मुझे स्कूटर की चाबी दे दो, अपन दोनों स्कूटर से चलेंगे मार्केट सामान खरीदने। तो कहने लगी, नहीं नहीं तुमसे है ना दिखाई तो तुम्हें देता नहीं है, और स्कूटर चलाओगे कहीं गिर गए ना तो हाथ पैर टूट जाएंगे, अपन ऐसा करेंगे मॉल चल, अगर आपको मॉल भी चलना है तो अपन कैब बुला लेंगे। तो अंकल कहते हैं, अरे कैब वाला तुम्हें किडनैप करके ले जाएगा। तो आंटी कहने लगी, अच्छा ले जाएगा, कम से कम तुम तो चैन से रहोगे, तुम तो सुकून से रहोगे। वो देखता रह गया कि ये सब क्या है,
पति पत्नी की इस नोक झोंक में इतना प्यार, इतनी फिक्र, इतनी मोहब्बत। तो कहने का मतलब यही है कि रिश्ते वो नहीं होते जो हम दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो हम करते हैं, क्योंकि दिखाने से ज़्यादा करना होता है। नोक झोंक भी करते हैं तो रूठ कर बैठना नहीं है, मनाना भी ज़रूरी है। कोई बात हो जाए तो उसे दिल से लगाना नहीं है, उसे भुलाना भी ज़रूरी है, और भुलाने के बाद उसे ख़त्म कर देना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम किसी बात को लेकर बैठे रहेंगे तो रिश्तों में मिठास आएगी और ना ही उसमें प्यार होगा। रिश्ते या तो कड़वाहट से भर जाएंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जिएंगे, लेकिन प्यार नहीं होगा। एक कड़वाहट होगी जो समय आने पर एक दूसरे पर उंडेली जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि नोकझोंक भी करो, लेकिन साथ में फिक्र भी करो, प्यार भी करो, मोहब्बत भी करो, और हंसते खिलखिलाते रहो, रूठना मनाना सब करो। तो आपने ये सब कहानी सुनी तो आप भी समझ गए होंगे इस चीज़ को कि वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और इस बात से कि इस उम्र में भी उन दोनों के बीच में एक नोक झोंक के साथ प्यार भी था, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए हमेशा, किसी भी रिश्ते में हो वैसे तो, कि लड़ाई झगड़ा भी करें लेकिन रिश्तों में मधुरता लाएं। कोई बात हो जाए तो दिल बात करके उस बात को ख़त्म करके और अपने रिश्तों को हमेशा मधुर बनाएं। तो आप इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बात ठीक लगी या नहीं लगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम।